आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ मेड एडी विटामिन बेबी वॉयल के बारे में। ये जो ग्रोथ मेड एडी विटामिन बेबी वॉयल है, इसमें हमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं और इसके फायदे क्या हैं और इसे किसे लगाना चाहिए और कितने साल के बच्चों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कितने साल के बच्चों तक इस्तेमाल करना चाहिए और इससे होने वाले क्या क्या और फ़ायदे हैं जिनसे हमें प्रभावित होके इसे यूज़ करना चाहिए और सब जो मार्केट में ऑयल मिलते हैं उससे इसका क्या कंपेयर है, ये सारा जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं जो ग्रोथ मेड एडी विटामिन बेबी ऑयल है, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है विटामिन ए, डी, ई एंड ऑलिव ऑयल। ये तीनों विटामिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए और डी और ई एंड ऑलिव ऑयल, ये तीनों के क्या काम होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये जो विटामिन ए और डी है ये हमारे मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है और जो विटामिन डी है इसमें ये हमारे हड्डी को, जो अपना बोन होता है बॉडी में, इसे मजबूत बनाता है और विटामिन ई इसे मजबूत बनाने में मदद करता है और ऑलिव ऑयल हमें शारीरिक रूप से मतलब मजबूत बनाता है। ऑलिव ऑयल वैसे भी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें कितने कितने इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए, डी, ई, ऑलिव ऑयल मिलते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अब समझते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से लगाना चाहिए। इसे हम बेबी में यूज़ कर सकते हैं, बेबी जब 6 महीना से ऊपर हो, तो 6 महीना के नीचे के बेबी में इसे यूज़ करना उतना सेफ़ नहीं माना गया है और इतना रिसर्च नहीं किया गया है। जो बेबी 6 महीना के ऊपर हो गया तो आप इसमें एडी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे समर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू विंटर और एनी सीज़न, समर में इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और समर में सबसे ज़्यादा यूज़ करने के पीछे कारण ये भी है कि ये थोड़ा सा जो ऑयल है वो थोड़ा ठंडापन देता है, बॉडी को थोड़ा ठंडापन देता है, तो इसे समर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसे मालिश करने का एक तरीका है जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसे जो मालिश करते हैं तो नहाने से, बेबी को नहवाने से आधा घंटा पहले बेबी में मालिश करते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं, बस ऊपर ऊपर सॉफ्टली से वहाँ पे मालिश करते हैं। अब बात आती है एलर्जी का, कुछ बच्चे एडी ऑयल से एलर्जिक होते हैं तो उनके लिए कुछ दूसरा मेडिकेशन होता है, जैसे और भी ऑयल आते हैं, जॉनसन का आता है, बेबी डाबर का आता है और भी बहुत सारे ऑयल होते हैं। तो यदि आपको पता करना है कि मेरा बेबी ये ग्रोथ में एडी ऑयल से एलर्जी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा तेल लेके बेबी किसी आर्म पे लगाना है और 15-20 मिनट तक उसको केयर करना है कि आप किसी को एलर्जी तो नहीं हो रहा है, कोई रेडनेस नहीं आ रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं आ रहा है। तो यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि आपका जो बेबी है वो इस एडी ऑयल से एलर्जी नहीं है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि मदर का, क्या इसे मदर यूज़ कर सकती है, तो हाँ, जब मदर का जब बच्चा हुआ है और उसके शरीर में पूरा दर्द रहता है तो उस कंडीशन में भी इस तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता भी है। और ये जो आपको मेडिकल शॉप पे ये कितने में मिलता है, ये आप लोगों का सवाल होता है कि सर ये कितने का मिलता है, तो ये वेरी करता रहता है हमेशा प्राइस, इसलिए प्राइस में बताना उचित नहीं समझ रहा, बट आपको मेंशन कर दिया हूँगा कि ये कितने का मिलता है। तो ये सारा जानकारी था ग्रोथ मेड एडी ऑयल के बारे में। इससे रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दें, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मेडिसिन और नई बीमारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।